अरे भाई अरे भाई अरे भाई कहाँ फंसा दिया इसको। ईद ही चाहिए भाई, ईद ही तो सबको चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक छोटी सी हरकत हो रही है जो कि पापा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, पापा को पकड़ लिया। शहरी तो नहीं आज टाइम, भाई भूख का हो गया। अच्छा सबने बताया पापा वो कर रहे शहरी। अच्छा वो आदत सी बन गई ना, एक महीना हो गया पूरा। देखो ऐसी आदत होती है रमजान की कि भाई आप शहरी में उठते हो, इफ्तारी करते हो, तो ये रूटीन 30 दिन जब आप कर लो ना, तो आपकी रूटीन इस तरह की कुछ हो जाती है। आपको फिर भूख मिलने लगती है, जो आप 30 दिन काम करते हो वो सारे काम रिपीट करने की कोशिश करते हो भाई, क्योंकि ऐसा है कि मुसलमान 30 दिन करते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। तो देख लो भाई, शहरी से स्टार्ट कर दिया पापा ने। ये सबके भाई कपड़े पड़े हुए जो कि आज सब पहनेंगे नए नए। मैं तो नालियों भी सही, अब बस मुझे कपड़े चेंज करने और फिर नमाज के लिए। नमाज के लिए कब निकलेंगे? 6:30 बजे जमा। भाई आज का व्लॉग जो होने वाला है वो है ईद का व्लॉग, सो वेट करते हैं 6:30 बजे का और फिर चलते हैं नमाज पे। ये वहाँ पहन के नहीं चले जाना। किधर? वहाँ नमाज पढ़ने। क्यों? चोरी हो जाएगी। चोरी भी हो जाती है? इसको संभाल के रखूंगा, जहाँ नमाज पढ़ूंगा उसके बराबर। ये नहीं पहन के जाओ, ये नहीं पहन के जाओ, ड्रेस नहीं दे सकते हम। चलो फिर यही पहन लेता हूँ। 1, 2, 3 ये हो गया मैं रेडी। ईद मुबारक। अब अभी आ कर ईद मुबारक। अच्छा आ कर। अबे बस सुबह चल जल्दी, नमाज से लेट हो। चलो सो वाइफी मॉम और फरिया जो है वो जब हम नमाज पढ़ कराएंगे जब रेडी होंगी। अरे तुम ईदी पहले दे रहे हो, नमाज के बाद बाद में भी दे देंगे। मेरी वाली भी दे दो, ये लो। ईद मुबारक। दूसरी ईदी हमने अपने सब्सक्राइबर से ही मिली, मतलब आप लोगों से भी मिले। देसी पेरेंट्स इन मस्जिद आफ्टर ईद। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई अरे भाई अरे भाई कहाँ फंसा दिया भाई। ईद के बाद तो सारे बलून वाले ही मिलते हैं आपको। सो भाई नीचे भी चौकीदारों से सबसे ईदी मिल रही है, अब घर में ईदी मिलते हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक छोटू मोटू। ईद मुबारक। पापा का मुन्ना रेडी नहीं हुआ। ईद मुबारक। पहली ईद मेरे साथ ही जसप्रीत के साथ। इनको पता ही नहीं होगा ईद आज। ये स्कूल से गोद में घूम रहा है, इसको नहीं पता। ये हमारे भाई पहली ईद है मेरे बुड्ढे की। खुद पता क्यों हो रहा है? इसको ईदी चाहिए। ईदी चाहिए, तैयार होगा फिर ईदी लेगा सबसे। ओ भाई पापा ने तो गड्डियाँ निकाल ली। वाह टमाटर। बस ये 100 की गड्डी एक और है। नहीं पहले बोलना था ना, ये अब क्या हो, एक और है। ये मुझे दे दे। अरे यार पापा भाई मेरे बांटनी होगी ना सबको। पापा ने थैंक यू। कल का व्लॉग नहीं देखा था ना, तो उसमें मैंने बताया था कि हम गड्डी लेकर ही नहीं आए, बैंक जाना ही नहीं हुआ था, तो पापा से लेनी पड़ रही है, लेकिन पापा के पास नहीं है, तो मॉम देनी है हमें गड्डी 100 वाली। इजी से पहले भाई नाश्ता करना लाजमी है। इसमें होती है हमारे पास शीर खुरमा और छोले हलवा पूरी। यस। फिर इसके बाद ईदी की बारी आती है। रेडी हो? रेडी ईदी देने के लिए हमें। तो करते हैं फटाफट से नाश्ता। आज से नाश्ते का लफ शुरू। पहली भाई मैंने अपनी चप्पल ईद की। मुन्ना भी रेडी हो गया, अब ईद मिल सकती है भाई आपको। ईद मुबारक। अब सबको ईद मुबारक बोलो फटाफट। चलो बोलो ईद मुबारक। पापा को नहीं देखो, ये मुझे ही देख रहे। देखो पप्पी करते सबको पहले। हमारा सर बाजू तो मैचिंग की है, मेरी भी मैचिंग हो रही है, लेकिन मेरा वाइट नहीं है, मेरा है क्रीमी। लाइन लगा लो भाई। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव। भैया पहले आप बताओ मैं किसको देनी है। अब बासिल है, वरना पहले भैया होता था। बासिल। अरे अरे गिरा दी। अरे भाई गिरा दी, जितने गिरा दी वो मेरे हो गए। कितने मिल गए भैया? कोई दी। अस्सलाम वालेकुम। कितने मिले? कितने बता दो। पापा ने कितनी दी है? आई थिंक 10,000 है। पर ये हमें पिछले 3-4 साल से इतने ही मिल रहे हैं, भले बढ़ गई हो लेकिन ईद इतनी ही मिलती है। नहीं बाजी की बारी आएगी, देन आपकी। वाह भाई वाह, कम पैसे मिल रहे। हमें तो 1,000 की गड्डी मिली, 500 की गड्डी में से मिल। अब कम पैसे मिल रहे तुम लोगों को तो। नहीं कम नहीं मिल रहा। फिर वो इसलिए मिल रहा है कि फिर ये चेंज मांगती है। अच्छा वाह, ये भी ट्रिक है भाई। पापा को पता नहीं। ये देखो मोटी है यार। मम आप तो दिलो पापा से। मम की किस बात की? ईदी सबकी होती है, देनी पड़ेगी अब तो। थैंक यू। पापा की तरफ से हो गई सबको ईदी। अब बारी है मेरी। भैया जो है ना वो अपने ब्लॉग में ईदी देगा, तो वो आप उसके ब्लॉग में देख लेना, बाकी मैं तो देता हूँ ईदी। मैंने बड़ा छल बनाया हुआ था, कार्ड बना के रखे थे। थैंक यू टू मी। थैंक यू। किसको ईदी चाहिए भाई? आज इधर आ जाओ। पापा ने बासिल को दिया सबसे पहले। अच्छा मैं बासिल को दूं? अपा मुन्ने को ईदी देते हुए। मम्मा की तरफ से कहाँ से? पकड़ लो पकड़ लो। जब मैं कार्ड बनाई थी आपने बोला एक ही कार्ड यूज। चलो ठीक है ठीक है, बासिल हाँ। मम्मा पापा की तरफ, दोनों की तरफ से। भाभी भैया की तो नहीं ना, भैया तो मुझसे बड़ा है। बड़ों को ईदी नहीं देना? बड़ों को ईदी नहीं तो बड़ों से लो। भाभी आपकी ईदी। कुछ नहीं है ईदी।
भाई, भाई आपके लिए पापा उनको बड़ी खुशी होती है, पत्नी मोम अभी भी पैदा हुई है, ईद की खुशी, हर एक चीज की, हर एक इवेंट की खुशी। आया आया मोम तो मेरी बिल्कुल ना, अल्लाह मेरी गाय है प्यारी सी। कब? हुसैन को दुआएं दो कि हुसैन भी काम करे, फिर हुसैन काम करेगा। हमारे घर में सबसे छोटी फरिया थी जो किसी बच्चे को ईदी नहीं देती थी, अब फरिया भी बासिल को देगी क्योंकि अभी ऐसा कब हुआ? ये कब हुआ? देनी पड़ेगी। बाजी बोल रही है मैं ईद के दूसरे दिन दूंगी। तुम्हारे बड़े मजे हैं भाई, पैसे ही पैसे और डायरेक्ट खा रहे हो। हुसैन ने भी दिए भाई। अरे वाह भाई, ईदी में नहा रहे हो तुम तो भाई। अजी ये लो भाई। अच्छा इतने दिए आपने? सही नहीं दिए क्या? सही दिए। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब मस्त 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 कर दो, क्योंकि ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है और जिनको मेरे लंबे व्लॉग्स पसंद है तो उनको मजा आने वाला है। लग रहा है नई नई शादी हुई है। अभी नीचे बच्चा भी बैठा हुआ है हमारा। बासिल की तरह भाई, हमारी तो नई नई शादी हुई है ना। बासिल पापा के साथ नहीं दिया, मामा के पिक्चर्स लेनी है हमने। मैं तो भाई पिक्चर लेनी थी बासिल के साथ, एक ऊपर लेंगे ना। लेट्स गो भाई। हां चला पहुंच गए पहुंच गए। तो हमारा सबसे पहले आउटिंग का पॉइंट जो था वो था दादी का घर, तो चलते हैं दादी से ईद मिलने। ईद मुबारक दादी, ईद मुबारक। कैसे हो? चार पाँच छ सात आठ नौ, अबे नौ ईद कौन मिलता है भाई? और बच्चे कहाँ हैं? और बच्चे नीचे छुपे हैं। ईद मुबारक। बैठ उठो भाई, सीढ़ी भी कहाँ बैठ गए? दादी और सभा का सेल्फी टाइम। दादी भाई। अरे लाए दादी, लाए लाए भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पापा की बारी थी बांटने की। ओए बच गई। थैंक यू। अरे वाह इतने प्यारे बच्चे, ये तो अच्छी बच्ची है, इसने दे दिया। अरे वाह। खाने में क्या क्या है? ये क्या है? ये आ गया भाई लज़ानिया और वो आ गया छोले। जल्दी जल्दी सुबह बैक टू दी होम, और वहाँ पर छोड़ना है हमें सभा को, बेबी को और बाकी सब घर वालों को। सिर्फ पापा मैं डमाटस और भैया जाएंगे कब्रिस्तान, जो कि हमारी ईद की रूटीन होती है। लेट्स गो। कब उन्होंने बीट कर दी, ये तो और गंदा हो गया। चलो चलो तो पहुंच चुके हैं भाई घर। चाँद बहुत नींद भी आ रही है यार, क्योंकि हम लोग कल सुबह से जाग रहे हैं, जिसमें हमने रोज़ा रखा, उसके बाद फिर रात को सोई भी नहीं, तो बस जाग ही रहे हैं। कब्रिस्तान से आकर फिर सोएंगे। पापा के पीछे पीछे गाड़ी लगा के चल रहे हैं हम लोग अब, और हमें डलवाना पेट्रोल अभी। ताज़ी ताज़ी ईदी मिली है, उसी का पेट्रोल डलवा देंगे। अरे भाई अरे हट जाओ हट जाओ हट जाओ, इतनी सारी गाय कहाँ से आ गई? अरे अभी तो बकरीद में दो तीन महीने हैं यार, ले जाएंगे एक गाय यहाँ से पाल लेंगे, रस्सी के बगैर घूम रही है। पली भी गाय है पहले से। चले चले अबे चल, मैं सच जाएगा नहीं, नहीं। पापा के लिए जाएंगे क्या फिर? चल चल so, let's go भाई घर। कितनी धूप है बाहर के, पसीने पसीने हो गए भाई। ईद पे वैसे भी ज्यादा गर्मी होती है। बस डायरेक्ट घर चलते हैं और जाके डायरेक्ट सोएंगे, क्योंकि नींद पूरी करके ही फिर मजा आना है ईद पे। अगर जागते रहेंगे तो फिर मजा भी नहीं आना। टमाटर सबसे पहले पहुंच, सन्नाटा छाया हुआ है, सब सो गए। हाँ भाई सब सो गए, अब मेरी बारी है सोने की। मिलते हैं आपको उठकर। उठ चुके हैं भाई बासिल और मैं, तो बाकी घर में सारे सो रहे, बस एक पापा उठ गया। अब लाफिस जा रहा है भाई, ये इजी लेना नानी क्या सूट देख रहा है, पहना हुआ क्या है वो? इसके अम्मा ने बिल्कुल रेडी किया हुआ इसको आज, गुची का कपड़ा पहना है इसको भाई आज। चलो 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 चलो, ईद मुबारक ईद मुबारक। आज सब मुझे यूं करते ईदी ईदी ईदी, ये तो मैंने सिग्नल पे देखा यूं करते हुए, बोलते थे अल्लाह के नाम पे दे दो आज ईद है तो ईदी। अच्छा दो साल से भाई हमारी रूटीन ये बन चुकी है कि पहले जो होता था ना, पहला दिन पूरा होता था हमारा हमारे घर पर, अब होता है घर के साथ साथ सभा के घर का भी, क्योंकि शादी हो गई और अब तो बेबी भी आ गया है, तो फिर अब तो मस्ट हो गया जाना, ससुराल तो जाना पड़ता है ना। हाँ ना, ईदी अगर मोटी मोटी मिले तो फिर मजा ही आ जाए। ईदी के लिए जा रहे हो? वाह बंदा ईदी के लिए जाता है सब जगह भाई। सारी ईदी मैंने यहाँ निकाल दी, अभी वहाँ से तो कुछ लूंगा, हो सॉरी वहाँ पर भी देनी है। ईद मुबारक भाई। हड़ताल है क्या? ईद है भाई, सब खाली खाली पड़ा हुआ है। पहुंच गए जी, और आज पार्किंग में जगह भी मिल गई। नानी के जाऊंगा ओए होए, नानी के जाऊंगा ओए होए, ईदी लूंगा ओए होए। जा जा जा, ईद मुबारक आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। ओ भाई डायरेक्ट बासिल, वो देखे मेरे साथ यही होता है, बताऊं मम्मा पापा भी ये करते हैं, सब इसको प्यार करने में। हाय अस्सलाम, कैसे सब? वैसे तो मैंने व्लॉग में बोल दिया कि भाई सबको ईद मुबारक, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे आधा कराची दिख रहा है, तो चीख के बोलूं आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज का तीसरा नाश्ता, सब जगह नाश्ता ही मिलेगा भाई, पूरे दिन नाश्ता मिलेगा, सिर्फ रात के टाइम डिनर मिलेगा ना। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भी रख लो, ये तो दोनों ही मेरे हैं ना, आप क्यों बोलते हो? बस सभा भाई सुबह से यही कर रही है, जो मेरी वजह मिली बोली ये तो दोनों ही मेरे हैं ना। नहीं एक ही मिली, बताएं कौन सी वाली मिली? भाभी वाली। किसकी? पापा वाली। बाकी सारी लिए दीदी। नानी ये भी रख लो।
नानी चलानी को नोट खा रहा, डायरेक्ट चीज खाना भाई, चीज खिलाएंगे। मम्मा जमा कर रही है वासिल पैसे तो। मम्मा वासिल आपको ऐसी बोलिए खा जाएंगी बाद में। अब बारी है हमारी दीदी देने की। वासिल ये तो देख रहे हैं। जा बेबी को जो है वो परी छोड़ दिया है क्योंकि वो लोग जो है ना नींद पूरी कर रहे हैं अपनी। तो मैंने बोला ठीक है यार मैं चले जाता हूँ घर और आपको ले लूंगा फिर रात में। तो सुबह का टाइम जो है ना वो बड़ा अच्छा गुजरता है, ईद का पहला दिन। बाकी जो फिर रात होने लगती है जैसे जैसे वैसे सब सुस्त होते जाते हैं। तो अब मुझे भी काफी सुस्ती पड़ी, हालांकि मैं सो के उठाऊँ लेकिन मैं 4 घंटे सिर्फ सोया। फिर चलते हैं देखते हैं घर में सब क्या कर रहे हैं और फिर खाना वाना खाएंगे, फिर हम भी इस व्लॉग को एंड कर देंगे। फरिया को हमने ईदी दी थी, उस कार्ड पे कितने पैसे देंगे तो भूल ही गए भाई। अब स्पेशल क्या खिला रहे हो ईद पे आज? ग्रीन एप्पल लीची, ओ दोनों फेवरेट फ्लेवर लगे हैं भाई। यही हमारी ईदी हो गई है क्योंकि भाई हमारी फेवरेट आइसक्रीम है ना भाई। आजा बस थोड़ी सी लीची थोड़ी सी एप्पल, जैली बरगद आ लिएगा यार, हर बाइट में आए ना। 500 रुपए तो तुम लोगों ने ले लिया। थोड़ा चम्मच एप्पल थोड़ा चम्मच लीची, इसके साथ एक जैली का बाइट। ओए 4 जैली आ गई। लेवल है भाई लेवल, काफी आइसक्रीम चाहिए मैंने। लेकिन जो ये योगर्ट आइसक्रीम है ना मजा ही अलग है। जब भी कहता हूँ मां सत्तर दिख गया, मैं मां सत्तर भाई दिख गया। अच्छा दिख गया मैं यहाँ पर, खुश ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। सारे सब्सक्राइबर शॉप पर ही मिल गए, सबको पसंद आ गई आइसक्रीम। क्या लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, थैंक यू। यार आज तो जगह ही नहीं है भाई, सारे मेहमान आए हुए बिल्डिंग वालों के। ईदी पक्की है मेरी, बिल्कुल है। मिल गई यहाँ पर पार्किंग। दादा ये बड़े नोट नहीं चाहिए, मुझे छोटे नोट चाहिए, 10 रुपए 20 रुपए, बस मेरी ईदी वही है। अस्सलाम वालेकुम जितने भी है तुम्हारे। अरे गेट तो बनी छोड़ दिया महाराजा, तोड़ गए। रात के 9 बज रहे भाई, पहले दिन की हमारी ईद होती है, लेकिन मैंने तो अच्छे से गुजारी यार अल्हम्दुलिल्लाह। जैसी भी गुजरे ईद तो ईद है, इस तरह ईद मनानी चाहिए भाई, अपनों के साथ गैरों के साथ सबके साथ ईद मनाओ और सबके साथ ईदी लो दो, मतलब शेयर करो। कोई जितनी देता आप इतनी ले लो, लेकिन आप कुछ इतनी नहीं आप इतनी दो। खाने में क्या है भाई, भूख लगी है बहुत। अच्छा मिठाई कचौरी खाए खाने में, अब टपाट उस भी उड़ गया। तूने देख लिया वाला कार्ड जिसपे तेरे को मैंने ईदी दी, कितने पैसे थे उसमें? उसमें थे 5000। वाह बहुत अच्छी माशाल्लाह ईदी मिल जाती है। हाँ, इनके हिसाब से तो ये बहुत अच्छी है, वरना हमारे तो टोटल पता नहीं 2000-3000 जमा होते थे। आज की ईद के कितने जमा हो गए एक दिन के? इशारे से। हाँ इशारे से बताऊंगी। इशारे चलो, मतलब 21 एक दिन में, वही तो बहुत ज्यादा जमा हो गई। अब हमारे तो ये 2-3 साल की ईदी होती थी, 2-3-4 साल। तो यार इधर से इस व्लॉग को एंड करते हैं। पीछे जो है ना अभी तक मेहंदियाँ लग रही है फरिया की, कल भी लगा कर रही है, आज भी लगा रही है। और हाँ भाई मेरी ईदी जमा हुई है, मुझे खुद ही नहीं पता कितनी हुई है मेरी ईदी। कौन खा गया सबा मैं ले लूंगी सबा से सारी ईदी ना, मैं कहूंगी भाई मां मेरा बेटा है ना मुझे दे दो, मैं संभाल के रख लेती हूँ, ठीक है ना। नहीं खा ले तो खा ले, बचपन में मैंने तुम्हारी ली थी, अब अभी भी ले लूंगी, बड़ा होगा तो क्या हुआ। सही है, अभी तक ईदी चाहिए भाई, सेफ रहेगी। सेफ नहीं रहती मोम के पास ईदियाँ, खत्म। नहीं नहीं बचपन से हमें पता है अली बात, मोम के पास ईदी गई तो ईदी खत्म। तो बच्चों अगर मोम को दिया आप लोगों ने तो खत्म। पापा देते ना बची हुई ईदी, वो भी खत्म हो जाती है। गड्डियाँ जो बची हुई होती है। अच्छा आपकी जो गड्डी बची है वो मोम को दे देते हैं आप भी नहीं देंगे इस बार? नहीं तरफ से ईद मुबारक, ठीक है, बहुत बहुत दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखना, आप भी याद रखना सब सब्सक्राइबर्स को। मैंने सबके लिए बहुत दुआ करी है, आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा और खुश रहें, खुशियां बांटें। आमीन आमीन। तो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर, मस्त मस्त मस्त। और कल जो है ना कल पूरी लग्जरी दावत है भाई हमारे घर में, सारे मेहमान ही मेहमान, इधर से लेकर इधर से लेकर इधर से लेकर सब जगह। तो कल बड़ा एक्टिव डे होगा। हाँ अब टेक केयर, अल्लाह हाफिज। We'll be right back.